आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरह हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात, बीच के दिनों में शायद आपको देखने के लिए नहीं मिला था ये, लेकिन हमने फिर दोबारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। ख़ास मुलाकात की जो कड़ी है हमारी अगली, उसमें मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, नुज़हत परवीन। तालीमी इदारे से आती हैं। मैं सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे एक शाम टीवी में। शुक्रिया। ये बताइए, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और किस तरीके से जो है आप अपनी जो तालीमी इदारे में खिदमत दे रही हैं? जो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी कि आपके साथ मैं ये अपना इंटरव्यू दे सकूँ। मेरा नाम नुज़हत परवीन है एंड मैं जो शुरुआत की जो मेरी तालीम हुई है वो दार्जिलिंग करश्योंग दार्जिलिंग से हुई है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वहाँ के सेंट हेलेंस कॉन्वेंट स्कूल से मैंने 10th तक पढ़ा है। उसके बाद बाकी की जो एजुकेशन है, आई गॉट इट फ्रॉम अलीगढ़ AMU एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd आई हैपन टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन पटना। After serving there for 9 years, I had to leave my job because of my marriage. And then I worked as a principal also for a few years. And then finally I came to Delhi and joined Jamia Girls Senior Secondary School. And since then I'm serving here. ये कितनी परेशानियाँ रहीं, कितनी मुश्किलें रहीं आपको? एजुकेशन लेने से ज़्यादा तो जब शुरुआत हुई मेरी पटना में, जब मैं सबसे पहले जब मेरी सिलेक्शन हुई एज अ गवर्नमेंट टीचर, तो उस वक्त मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ी वहाँ भी, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड हिंदी एंड उर्दू मीडियम का नहीं था। और जो वो इदारा था वहाँ जो बच्चे थे वो हमारे खुद के कौम के ही थे, लेकिन उन लोगों की इंग्लिश की नॉलेज बहुत पुअर थी। तो उसकी वजह से मुझे पहले अपने आप को हिंदी और उर्दू ख़ुद को समझाना पड़ता था, उस लैंग्वेज को समझना पड़ता था और फिर मैं बच्चों को समझाती थी। ख़ास करके उस वक्त मुझे क्लास 7, 8, 9 और 10, 11, 12 के अलावा 7th, 8th, 9th, 10th भी मिला हुआ था, जिसमें मैं मैथ्स और साइंस भी पढ़ाती थी। तो वहाँ मुझे काफ़ी टफ़ ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं सर्कल को वृद्ध बोल सीख रही हूँ या इस तरह की चीज़ें। मैंने बहुत कोशिश की और मैंने इसको ओवरकम किया और बच्चे बहुत लाइक करते थे मुझे उस ज़माने में भी। फिर जब मैं यहाँ आई, दिल्ली और जामिया ज्वाइन किया, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़े मतलब सवाल था मेरे सामने कि आपको उर्दू में केमिस्ट्री पढ़ाना है जामिया गर्ल्स में, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इस स्कूल की तो तब इसका नाम जामिया उर्दू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरे सामने जब इंटरव्यू हुआ तो मुझसे कहा गया कि आप उर्दू में पढ़ाएंगे। तो मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच केमिस्ट्री इन 11th एंड 12th इन उर्दू मीडियम। तो मैंने मना कर दिया था कि आई कैन नॉट। फिर हमारी जामिया की एक अज़रा मैम हुआ करती थी एंड माय प्रिंसिपल अंजुम इकबाल, शी वेंट टू दी दैट टाइम VC मुशीरुल हसन, और वहाँ उन्होंने उनसे ये प्रॉब्लम्स को बताया और इमीडिएट VC साहब ने इजाज़त दे दी कि आप इंग्लिश मीडियम में 11th और 12th को कंटिन्यू करवाएं, मगर टीचर को जाने ना दें। सिंस देन आई एम टीचिंग केमिस्ट्री एट द +2 लेवल एंड टिल 2-3 इयर्स बैक I was an individual chemistry teacher in the whole Jamia Girls Senior Secondary School, where I was tackling the theoretical as well as the practical part. जब हम देखते हैं कि मुसलमानों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर से बाहर जो है कम ही इजाज़त मिलती थी, उनको जाने नहीं दिया जाता, स्कूल तक जो है उनकी पढ़ाई की जाती है, उसके बाद में फिर तमाम ड्रॉप करा दिया जाता है कि कौन सा इसको नौकरी करनी है।
क्या इस तरीके के सवालात आपके सामने भी आए? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि हम 11th एंड 12th लेवल को पढ़ाते हैं तो ये बहुत ये फेस करते हैं हम लोग, एंड जिस वक्त हम लोग पढ़ा रहे होते हैं उसी वक्त मोटिवेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई एम टीचिंग साइंस स्टूडेंट, तो मेरे पास जो बच्चे होते हैं उनके पास थोड़ा मोटिवेशन तो रहता है कि मैं कुछ आगे करूं, मेडिकल करूं, इंजीनियरिंग करूं, कुछ और डिग्रीज लूं, तो वहाँ ये एटमॉस्फेयर अगर उनको फैमिली से नहीं मिलती है तो एटलीस्ट वी टीचर्स प्रोवाइड देम दिस मोटिवेशन कि बेटा आगे कुछ करिएगा, उसके बाद लाइफ सेटल कीजिएगा। तो ये तो हम लोग बहुत कॉमनली ये फेस करते हैं ये प्रॉब्लम्स, और हम लोग मोटिवेट भी करते हैं इस चीज़ में। अभी जिस तरीके के मौजूदा हालात हैं, क्योंकि तालीम के बिना, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है, तमाम सवाल उठते चले आ रहे हैं शुरू से, लोग इस पर जोर भी दे रहे हैं, प्रेशर भी कर रहे हैं कि भाई आप बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि हम देखते हैं कि माइनॉरिटी में जो है बच्चों को एक तो पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता, फिर दूसरा पढ़ाने का भी जो है मौका नहीं दिया जाता। इसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए, ये तो हमारे सोसाइटी का बहुत ही मतलब बोला जाए तो बहुत सोचनीय बात बोला जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारे जो ये है कम्युनिटी है उसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं, ख़ास की अगर जामिया नगर एरिया में देखा जाए या कुछ, तो दे बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़। वहाँ बच्चों का जो बैकग्राउंड है, जो जिस फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, वहाँ एजुकेशन जनरली बहुत कम होता है। तो हम वी बीइंग अ टीचर, माई सेल्फ बीइंग अ टीचर, और वो भी बीइंग अ साइंस टीचर, हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि ना सिर्फ लड़कियों को, इवन लड़कों को जब मौका मिलता है मोटिवेट करते हैं, लड़कियां तो खैर हमारे इन्फ्लुएंस में रहती ही हैं और उन लोगों को मोटिवेशन हम लोग करते रहते हैं, उन लोगों की जो हुनर है उनको आगे निकाल करके सामने पेश करते हैं कि बेटा इस चीज़ में आप आगे बढ़ो ताकि तुम्हारा नाम रोशन हो, और बच्चे करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे स्कूल के बच्चे दे आर शाइनिंग नॉट ओनली इन दी इन मीन स्टेट लेवल और इंडिया लेवल, दे आर गोइंग अब्रॉड एंड दे आर शाइनिंग। तो ये चीज़ है कि मोटिवेशन की कमी है, और मोटिवेशन की कमी इसलिए भी है क्योंकि उनकी फैमिली में पढ़े लिखे नहीं है, तो भाई ये जिम्मेदारी हम लोगों की है अब पढ़े लिखे लोगों की कि उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि फैमिलीज तो नहीं करेंगी, तो हमारी जिम्मेदारी है ये। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जिस परिवार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो शायद उसकी अहमियत भी नहीं समझते, लेकिन मौजूदा वक्त में आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक तबका है अपने माशरे में जो पढ़ा लिखा है, हालांकि हमारा भी यही कहना है और हमारी कोशिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दी जाए, तालीम को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अक्लियती बच्चों को जोड़ा जाए तालीम से, तो एक बहुत अच्छी बात कही है मैडम ने कि ये हमारी जिम्मेदारी है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तालीम को आगे बढ़ावा दें। कोई और मैसेज आप देना चाहेंगी पेरेंट्स को, बच्चियों के या बच्चों को? बिल्कुल, पेरेंट्स जो हैं वो कभी बच्चों को ये ना समझें कि वो घरों के लिए बने हुए हैं, ख़ास के लड़कियों को, लड़कियां इस वक्त आउटशाइन कर रही हैं लड़कों से ज़्यादा, उनको भी मौका दें पढ़ने के लिए, उनको भी बाहर भेजें, ज़रूर नो डाउट उनको हिजाब में रखें, उनको सारी चीज़ें इस्लामिक एक्टिविटीज सिखाएँ, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर दें। अभी जैसे आप जामिया स्कूल में जो है, तो अभी लॉकडाउन के दौरान कैसे हालात रहे, क्या क्लासें रहीं, वो उस पीरियड के बारे में थोड़ा सा बताइए पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही कठिन वक्त था हम लोगों के लिए, सभी टीचर्स के लिए रहा होगा, और ख़ास करके जामिया में तो और भी टीचर्स ने फेस किया होगा, बिकॉज़ इस इदारे के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी बैकग्राउंड के हैं, फ्रॉम हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी बिलोंग करते हैं, एंड नॉट ओनली ऑफ दिल्ली बट द इंटायर नेशन। उससे क्या हुआ कि सभी के बच्चों के पास गैजेट्स नहीं मौजूद थे, और या अगर उनके पास में घर में होगा भी तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वन से ज़्यादा हैं तो वो गैजेट सब बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उनकी वजह से मतलब हम टीचर्स को इतना
सामना फेस करना पड़ा है कि बच्चों को ऑड आवर्स में सिखाना, उनको अपनी फ्री टाइम निकाल करके उनकी क्लासेस लेना, उनकी पीडीएफ बना करके भेजना, ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ा। उसके अलावा जो बच्चों ने फेस किया वो था नेटवर्क इश्यूज़, जो कि जो विलेजेस में रह रहे थे उनके पास में नेटवर्क नहीं पहुंचता था, जो शहरों में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, वाईफाई था तो कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो विलेजेस में रह रहे थे उनके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम था। इधर से हम लोग की पूरी कोशिश होती थी कि बच्चे क्लास अटेंड करें, तो उसकी वजह से हम लोग उन पे एक प्रेशर क्रिएट किए रहते थे कि अटेंडेंस इज़ नेसेसरी। और यहाँ बच्चे भी अपने नो डाउट उन लोगों ने बहुत साथ दिया, हम लोगों का बच्चों ने अपने कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो नेटवर्क इशू हो, चाहे वो उनकी गैजेट प्रॉब्लम हो, दे यूज़ टू राइट इट ऑन द व्हाट्सएप एंड गिव अस द मैसेज एंड वी यूज़ टू डील इट अकॉर्डिंगली। इसी के बीच में अब जैसे अब तो सब कुछ स्कूल भी खुल गए हैं, क्लासें भी चल रही हैं, ये भी एक ऐसा वाकया रहा जो मतलब ज़िंदगी भर कोई नहीं भूल सकता, ना तो बच्चे भूल सकते हैं ना ही बड़े भूल सकते हैं इसको। अभी आप के साथ में किसी तरीके की कोई परेशानी जो आप फेस कर रही हो बच्चों को पढ़ाते हुए या जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर? जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स तो सभी टीचर्स हम लोग फेस कर रहे हैं। उसमें देखिए सबसे पहले तो बोला जाए तो बच्चे जो हैं जो साइंस ले लेते हैं वो बेसिकली उनका बैकग्राउंड होता नहीं है, या फिर जामिया ने उनको 41% पे अलाउ कर दिया है कि वो कॉम्पिटिशन्स फेस करें, और जब वो कॉम्पिटिशन फेस करके कॉम्पिटिशन तो आ जाते हैं, लेकिन वो चूँकि 41% उनका जो इनिशियल परसेंटेज होता है तो उनकी जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है साइंस की वो बहुत पुअर होती है, तो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर वी साइंस टीचर्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे खुद के स्कूल में, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग की खुद की नहीं है, हम लोग टोटली डिपेंडेंट हैं जामिया मिडिल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उसकी वजह से हम लोगों की इवनिंग स्कूल है। अब इवनिंग स्कूल गर्ल्स के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना मतलब ख़तरनाक हो सकता है, इवनिंग में जब बच्चे निकलते हैं एंड दे गो ऑफ टू फार ऑफ प्लेसेस लाइक द्वारका एंड रोहिणी, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें टीचर्स को भी हम लोगों को भी लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि बच्चों के पीछे लगे रहते हैं घर पहुँची कि नहीं पहुँची, तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा अभी हम लोगों के पास प्रेशर बहुत बढ़ गया है बिकॉज टीचर्स अभी कुछ टीचर्स को जो निकाला गया, विड्रॉ किया गया गेस्ट टीचर्स को ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो दे आर्न बैक एज येट, तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत था। एंड एज यू नो टीचर्स के लिए तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक अप्रिसिएशन, एक समझिए कि उनको अवार्ड, और एक हो गया रिम्यूनरेशन। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर द मोटिवेशन। एंड देखिए कुछ चीज़ें तो अभी भी लैक कर रहे हैं, जो रिम्यूनरेशन एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, वी आर नॉट गेटिंग दैट। एंड वी वॉन्ट टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ आर अथॉरिटी ऑल्सो टूवर्ड्स इट। जैसा आपने कहा एप्रिसिएशन, अप्रिशिएट करना, किसी भी अच्छे काम को बढ़ावा देना, उसका हौसला बढ़ाना, इससे मोटिवेट होता है इंसान, उसका हौसला और बढ़ता है, वो और बेहतर करने की कोशिश करता है। अभी आपने कहा कि जो स्कूल है जामिया स्कूल, वो इवनिंग में जो है लड़कियां पढ़ती हैं, ये क्या स्टार्टिंग से ही है? इस थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताइए, क्या है पूरा? ये गर्ल्स को जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला था, इनिशियली इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 अगस्त, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन ऑफ आर सोसाइटी। और उसी हिसाब से लड़कियों को शाम में जो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में हम लोगों की क्लासेस होती हैं, और चूँकि मॉर्निंग में आज में मिडिल स्कूल चलता है तो हमारी अलग से बिल्डिंग नहीं है, उसी में हम लोग क्लासेस लेते हैं, और लैब है नहीं हमारे स्कूल में, तो वी शेयर द लैब विद सैयद आबिद स्कूल
जो कि जामिया ही का सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, उनसे हम लोग शेयर करते हैं उनकी मर्सी बेसिस पे, समझिए, बिकॉज़ उन लोगों का जब खाली होता है तो दे गिव अस द लैब और फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस करते हैं वहाँ। तो ये तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको बच्चों को तालीम दिलाने के लिए। तो क्या जो डिपार्टमेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया का, जो वहाँ के सीनियर लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, वो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे? आपने उनसे कोई बात की इसके बारे में? नहीं, हमारी जो अथॉरिटी इमीडिएट हेड हैं प्रिंसिपल, उनकी बिल्कुल ये मैसेजेस जा चुके होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन फ्यूचर कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि अब तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों का, इतना हो गया कि मुझे नहीं लगता कि उस बिल्डिंग में उतनी कैपेसिटी आ भी पाएगी। कितने बच्चे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1000 एंड ओनली इन 9th, 10th, 11th, 12th। बस ये स्कूल जो है सिर्फ 9th से लेकर के 12th तक की है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें अराउंड 1000 चिल्ड्रेन हो गए हैं अभी। क्या सिर्फ गर्ल्स है? यस यस, ओनली गर्ल्स, एक्सक्लूसिवली गर्ल्स स्कूल। और कोई मैसेज, कोई ऐसी बात जो हमारे ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहें, कोई अपना एक ख़ास मैसेज? नहीं, आई वांट कि हमारे कौम के लोग सब आगे आएं, बच्चों को भी पढ़ाएं, और बेहतर इसी में होगा कि सब मिल कर के, पूरी जामिया मिल कर के इसको और एक बेटर सोसाइटी की तरफ ले चलें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। आपने सुना ये पूरा इंटरव्यू और पूरी बात, पूरी परेशानी। हमारा मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम का इतना नहीं कि हम आएँ और बात करें, हमारा मकसद ये है कि हम जिस कंडीशन में लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ने से लेकर के पढ़ाने तक की हो, किसी भी तरीके की जो मदद है लोग अपने ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं, जो लोगों के अच्छे काम हैं, कौम की बेहतरी के लिए जो काम है, वो लोगों के सामने आए और लोग उनको देखें, उनका हौसला बढ़ाएं और उनसे मोटिवेट हो करके समाज में बेहतरी के लिए कुछ काम करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है। अगर हमारी ये कोशिश और हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है, देश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, देश तरक्की भी करेगा, समाज में अमन और शांति भी फैलेगी। जो माहौल है वो किसी से छुपा नहीं है, वो सब आप देख रहे हैं। इसके पीछे एक तालीम का होना भी जो है बहुत बेहद ज़रूरी है। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।